तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक जाएगी, आपकी सेल्युलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। आज जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो रहे हैं, वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं। भारत में गांव के लोग जिसे छूते भी नहीं हैं, बड़े शहरों में लोग वैसा खाना खा रहे हैं, वैसा भोजन। यानी आज पश्चिमी समाज जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती हैं। योग में भोजन को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानते हैं। तमस यानी जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब बस आलसी होना नहीं है। जड़ता यानी कुछ चीजें धीमी हो जाएंगी, यानी सिस्टम में पुनर्निर्माण जल्दी नहीं होगा। आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि दिमाग में नए सेल्स या कोशिकाएं जीवन भर जल्दी बनती रहें। अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं जो आपके शरीर या आपकी ऊर्जा में जड़ता पैदा करता है, तो आप धीरे धीरे चीजों का अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। सभी ये समझते हैं, तभी वो कोका कोला के प्याले या कॉफी या शराब या कुछ और पीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे संतुलित करना जरूरी है। तो ये संतुलन लाने का बचकाना तरीका है, यानी पहले गलत चीजें खाकर फिर उसे सही चीजों से ठीक करना। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटासिड दवाइयां, दुनिया के लगभग 60% एंटासिड अमेरिका में बेचे जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। यानी वहां कई विकल्प हैं, वो बेहतरीन खाना खा सकते हैं, पर नहीं, वो सबसे खराब खा रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल बिजनेस आपका भोजन तय कर रहे हैं, आप सचेत होकर कुछ नहीं खा रहे हैं। मान लीजिए लोग ताजा खाना खाने लगे। योग संस्कृति में अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लिया जाता है। 90 मिनट से पहले उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद भोजन को नहीं छुआ जाता, क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी जड़ता होगी। आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 सप्ताह तक ताजी चीजें खाएं और फिर कोई प्रोसेस्ड चीज खाएं जो 1-2 महीने तक रखी गई हो। आप शरीर में सतर्कता का स्तर देखेंगे, आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे। ये सेल्स या कोशिकाओं में होता है, इसकी मूल चीज है। हम इसे ओजस कहते हैं, इसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप काफी ओजस पैदा करें, जो कि ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिका या सेल में ओजस हो, तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक जाएगी, आपकी सेल्युलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। भोजन से एक और चीज जुड़ी है जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं। यानी अगर आप एक चीज खाकर कुछ ऐसा खाते हैं जो उसके खिलाफ काम करता है, तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी। पाचन प्रक्रिया काफी हद तक एसिड या एल्कलाइन जैसी चीजों से होती है। मान लीजिए आप फैट वाला मांस खाते हैं, तो मांस अकेला उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसे चावल और घी यानी बिरयानी के साथ खाने में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसी वजह से कोई भी मांसाहारी चीज और दूध या दूध से जुड़ा भोजन एक साथ नहीं खाते, क्योंकि उन्हें मिलाने से वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और आपके अंदर एक जंग पैदा कर देंगे। योग विज्ञान के हिसाब से भोजन पेट की थैली में 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2.5 घंटे में वो बाहर चला जाना चाहिए और पेट खाली हो जाना चाहिए। भूख नहीं लगेगी, पेट खाली रहेगा, ये अच्छा है। हम पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि तब हर चीज बेहतर काम करती है। और पेट की सेहत को आज बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। आपके सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके कई पहलू हैं, पर सबसे पहले नीम का पेड़, जो आम तौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, आज शायद दुनिया भर में 10 से 12 अलग अलग जगहों में उगाया जा रहा है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई
स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है, ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में है। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।